लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण, इसके जो कुछ मुख्य मान्यताएं हैं, इन मुख्य मान्यताओं पर चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर प्रमुख मान्यता के रूप में समाज साध्य और व्यक्ति को साधन माना गया है। समाज से तात्पर्य यहाँ पर एक विशिष्ट राजनीतिक दर्शन से है, विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से है, और यहाँ पर व्यक्ति उसके लिए साधन मान लिया गया है और उस राजनीतिक दर्शन को, उस विचारधारा को साध्य मान लिया गया है। कहने में और देखने में ये बड़ी साधारण और सरल सी बात दिखाई देती है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े व्यापक होते हैं। और जब व्यक्ति को साध्य माना जाता है तो उसे असीमित अधिक, उसको उसकी स्वतंत्रताएं सुरक्षित होती है, राज्य और संस्थाएं उसके सुख सुविधा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए कार्य करती हैं। और जब उसी व्यक्ति को साधन मान लिया जाता है तो राज्य द्वारा, उस राजनीतिक दर्शन द्वारा व्यक्ति के निजी जीवन में भी प्रवेश कर लिया जाता है। यूं कहें कि समग्रतावादी विचार दर्शन के अनुसार व्यक्ति के निजी जीवन में भी राज्य का प्रवेश हो जाता है और व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रताओं के संदर्भ में उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है, या यूँ कहें कि व्यक्ति के स्वतंत्रताओं के नाम पर उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। उसे राज्य की इच्छा से ही खाना होता है, राज्य की इच्छा से ही पहनना होता है, या यूँ कहें कि उस विशिष्ट राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक समाज की इच्छा अनुसार ही उसे अपने आचरण को करना पड़ता है। यहाँ व्यक्ति को साधन बना दिया जाता है और व्यक्ति के निजी जीवन में भी उस राज्य या उस राजनीतिक दर्शन का प्रवेश हो जाता है। वह किससे मिलता है, उसके मित्र रिश्तेदार कौन है, वह उससे मिलने कौन आता है, वह कौन सा साहित्य पढ़ता है, कौन सा चैनल जो है वो सुनता देखता है, कौन से संस्थानों में वह शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है, या जहाँ पर वह शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है उसका, उस संस्थान का जो मूल उद्देश्य क्या है, या उस संस्थान की मूल विचारधारा क्या है। यहाँ तक कि राज्य व्यक्ति के नितांत और एकांतिक जीवन में भी प्रवेश कर जाता है, जैसे कि उसको कितनी संतान उत्पत्ति करनी है। तो ये व्यक्ति को जब साधन मान लिया जाता है तो उसके पास स्वतंत्रता और अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। लोकतंत्र के उलट विचार यहाँ पर हैं, तो ये व्यक्ति को साध्य न मान के साधन मान लेता है। जनता का अर्थ सर्वहारा के वर्ग से लिया जाना चाहिए और इस वर्ग के हित में जो शासन प्रणाली होती है वही वह लोकतंत्र मानता है। वस्तुतः सर्वहारा की तानाशाही को जनवादी लोकतंत्र मानता है, पीपुल्स डेमोक्रेसी वहाँ पर उसको कहा गया है। लोकतंत्र का अर्थ आर्थिक और सामाजिक समानता का भाव है, आर्थिक और सामाजिक समानता का भाव है, और वह तब प्राप्त हो सकता है जब उत्पादन और वितरण के समग्र साधनों का समाजीकरण कर दिया जाए, या उत्पादन और वितरण के साधनों पर सर्वहारा का अधिकार स्थापित कर दिया जाए। जबकि लोकतंत्र जो है वो पूंजीवादियों के हाथ में चलने वाला एक पूंजीवादियों के हाथ में चलने वाली एक ऐसी वर्गीय संस्था मात्र है जो पूंजीवादी हितों की पोषक होती हैं। मार्क्सवादी लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, अतः ऐसे शासन में सर्वहारा वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि दल के रूप में केवल साम्यवादी दल पाया जाता है, और इस दल का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर एकाधिकार पाया जाता है। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर एकाधिकार पाया जाता है और इस दल के माध्यम से वह शासन चलाता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र में परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की अनेक औपचारिक संस्थाएं मौजूद हो सकती हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, नागरिक मौलिक अधिकारों की स्थापना, न्यायपालिका की स्थापना जैसे मूलभूत आदर्शात्मक और अधिकार शक्ति विभाजन की संस्थाएं मौजूद हो सकती है, किंतु इन संस्थाओं का संचालन उदारवादी लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाओं के जैसा नहीं होता है, या यूँ कहें कि इनका संचालन मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुसार ही होता है। ये संविधानवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन मार्क्सवादी संविधान होता है जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर जोर देता है, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार वह कार्य नहीं करता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो जाती है, और इसके अलावा ये प्रतिबंधित प्रकार की न्यायिक संस्थाओं का विकास करता है जो कार्यपालिका की एक अनुसंगी शाखा के रूप में कार्य करती हैं, और कार्यपालिका के निर्णय और आदेशों को न्यायिक वैधता प्राप्त प्रदान करने का यंत्र मात्र होती है। यहाँ पर न्यायपालिका नागरिक मौलिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पर कार्य नहीं करती हैं।
और मार्क्सवादी लोकतंत्र की रक्षा का कार्य करती हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादी लोकतंत्र उदारवादी लोकतंत्र की तरह स्वयं को अपूर्ण मानता है और लोकतंत्र की तुलना में ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि जहाँ उदारवादी पूंजीवादी लोकतंत्र में पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व होता है, वहाँ पर जो है सर्वहारा की तानाशाही या जन लोकतंत्र की स्थापना इसके द्वारा मानता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र के समर्थकों का विचार है कि वास्तविक और पूर्ण लोकतंत्र तो समाज की वर्ग विहीन राज्य विहीन अवस्था में ही पाया जाएगा, वर्ग विहीन राज्य विहीन अवस्था में ही पाया जाएगा, इसे ही वे वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं, इसे ही वास्तविक लोकतंत्र मानते हैं। यूँ कहें कि मार्क्सवादियों के अनुसार उनका लास्ट जो अल्टीमेट है वो वर्ग विहीन राज्य विहीन क्लास लेस स्टेट लेस सोसाइटी का सिविलाइजेशन का निर्माण करना है, और वही मार्क्सवादियों का अंतिम विकल्प है जिसे वे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उसे इन पूर्व की चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, जो आदिम साम्यवादी अवस्था है या फिर दास अवस्था है, सामंत अवस्था है, कृषक अवस्था है, या यूँ कहें कि फिर उसके बाद जो औद्योगिकरण की पूंजीवादी अवस्था है। ये चार अवस्थाओं के बाद ही फिर राज्य विहीन अवस्था और वर्ग विहीन अवस्था जो वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्त होगी, इस रूप में वह इसका वर्णन करते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं मार्क्सवादी लोकतंत्र की, कि जैसे कि ये व्यक्ति के अत्यधिक समाज के हित पर बल देकर व्यक्ति के हितों की अत्यधिक उपेक्षा करता है, ये सिद्धांत सर्वहारा की तानाशाही को स्वीकार करता है, जबकि लोकतंत्र ने सब लोकतंत्र सभी वर्गों का शासन है और सभी प्रकार के तानाशाही का विरोध भी लोकतंत्र करता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का दावा खोखला है कि यह समाज के बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, क्योंकि व्यवहार में यह साम्यवादी दल के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पर विशिष्ट वर्ग की तानाशाही सिद्ध हुआ है, विशिष्ट वर्ग की तानाशाही सिद्ध हुआ है। यह सिद्धांत लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष क्रांति एवं हिंसा के साधन की अनिवार्यता पर जोर देता है और इस मार्क्सवादी लोकतंत्र के संचालन के लिए भी शक्ति और दमन के साधन का प्रयोग किया जाता है। यह अनिवार्यत क्रांति और अनिवार्यत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर जोर देता है, इनका हिंसा से भी कोई परहेज नहीं है। ये अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, या यूँ कहें कि इनके मूल विचारधारा के रूप में आर्थिक समानता की स्थापना के लिए इनके द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसक साधन का प्रयोग वर्जित नहीं माना गया है। ये हिंसक खूनी रक्तपात या हिंसक क्रांति से भी इनका परहेज नहीं है, बल्कि ये तो ये कह रहे हैं कि क्रांति अवश्यंभावी है, सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति अवश्यंभावी है और क्रांति के माध्यम से ही आर्थिक समानता की स्थापना संभव है, या जो समाज में वर्ग बने हुए हैं उन वर्गों का उनको मिटाना उनको हटाना संभव है, उसके बिना संभव नहीं है, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका विचार है। तो ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला विचार भी इसको कहा जा सकता है और यह राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत करता है। और मुख्य प्रश्न तो यह है कि मार्क्सवादी जिस लोकतंत्र की बात करते हैं या जिस पीपुल्स डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन्होंने सिद्धांत में इतना अधिक केंद्रीकरण कर दिया शासन शक्ति का, और वह केंद्रीभूत शासन की जो शक्तियां हैं वह भी एक दल के अंदर निहित होती हैं, शासन की संस्थाओं में वास्तविक रूप से निहित नहीं होती हैं। सर्वाधिकारवादी राज्यों को जब आप पढ़ेंगे जो हैं, जब आप तानाशाही शासक शासन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक नया विचार वहाँ पर देखने को मिलेगा, और संक्षेप में उसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये ऐसा विचार है, ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो एक देश एक नेता एक दल और एक नीति के सिद्धांत पर जोर देता है, न केवल जोर देता है बल्कि इस सिद्धांत का पालन भी करता है। तो इसी विचार धारा के पालन के रूप में, या यूं कहें कि इसके व्यवहारिक रूप में, सर्वाधिकारवादी शासनों में या साम्यवादी शासनों में एक दल की प्रमुखता पाई जाती है, मुख्यतः साम्यवादी दल होता है, और साम्यवादी दल की जो पोलित ब्यूरो होती है उसकी स्टैंडिंग कमेटी के जो नौ मेंबर्स होते हैं वो पूरे देश के शासन पर अपना अधिकार बनाए रखते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे पड़ोसी देश चीन की व्यवस्था पर अगर हम नज़र डालें तो पता चलेगा कि साम्यवादी दल के जो पोलित ब्यूरो के मेंबर्स होते हैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उन 9 सदस्यों द्वारा चीन के प्रमुख शासन संस्थानों प्रमुख राजकीय पदों पर नियंत्रण होता है, उन्हीं में से कुछ
कुछ लोग जो हैं राष्ट्रपति पद पर होते हैं उन्हीं में से सर्वोच्च सेनापति होते हैं, उन्हीं में से पीपल से जो उनका कोर्ट होता है जनवादी उसके चीफ होते हैं, उन्हीं में से अन्य शासन संस्थाओं के मुखिया होते हैं, या अगर उनमें से नहीं होते हैं तो भी बनाए जाने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से उन मेंबर्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पोलित ब्यूरो के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो सर्वहारा की तानाशाही जिसे कहा जा रहा है वास्तव में तो वह एक दल की तानाशाही बन करके रह गया है, और दल संपूर्ण दल भी नहीं बल्कि उसकी जो पोलित ब्यूरो के जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं उन मात्र बहुत थोड़े से सदस्यों, अगर चीन का उदाहरण ले तो मात्र 9 सदस्य, उनमें जो है शासन का वास्तविक अधिकार केंद्रीभूत हो जाता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से पीपुल्स डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वह अपने आप को दिखावे के लिए ये सब कुछ कहते हैं कि वह भी पीपुल्स डेमोक्रेसी में ही रह रहे हैं या ऐसा ही शासन वो संचालित कर रहे हैं। और इसके अलावा मार्क्सवादी लोकतंत्र में जो दोष थे उन दोषों के कारण संपूर्ण यूरोप में इसका अंत हो गया, और लेनिन का ये दावा अर्थहीन हो गया कि मजदूर वर्गीय लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र से लाखों गुणा अधिक लोकतांत्रिक होता है। तो यह इस प्रकार से लोकतंत्र का साम्यवादी दृष्टिकोण है। इसके अलावा एक और दृष्टिकोण का हम संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देखेंगे, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत या समाजवादी दृष्टिकोण। यहाँ पर लोकतंत्र और समाजवाद दोनों का समन्वय किया जा रहा है, और दोनों के माध्यम से इन दोनों प्रणालियों के वास्तविक लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल ये पद्धति में बदलाव करके। मोटे रूप से जो साम्यवादी विचार दर्शन है उसी के अनुरूप समाजवादी विचार दर्शन में भी उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके को लेकर के अंतर है, और ये तरीका ही समाजवाद को साम्यवाद से भिन्न करता है। साम्यवादी हिंसा और क्रांति के माध्यम से उत्पादन और वितरण के साधनों पर अपना अधिकार स्थापित करके आर्थिक समानता स्थापित करने की बात करते हैं, जबकि समाजवादी उत्पादन और वितरण के साधनों पर अधिकार करके उनका समाजीकरण करके राष्ट्रीयकरण के माध्यम से यूं कहें कि समाज के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा उस पर अधिकार बना करके फिर उत्पादन या आर्थिक उपादान के जितने भी साधन हैं, वितरण के जो भी उपक्रम हमारे पास मौजूद हैं, उन सबको सबसे प्राप्त होने वाला लाभ सरकार के माध्यम से समाज को बांट करके वह आर्थिक समानता प्राप्त कर लेना चाहते हैं। और इस रूप में ही समाजवाद और साम्यवाद में भिन्नता यहाँ पर दिखाई देती है। ये सिद्धांत हिंसा और क्रांति के साधनों पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि साम्यवाद और समाजवाद उद्देश्यों में काफ़ी एकता दिखाई देती है, लेकिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों में अंतर है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनके सिद्धांतों में अंतर है। साम्यवादी विशुद्ध रूप से क्रांति के पोषक हैं, साम्यवादी विशुद्ध रूप से हिंसक क्रांति के समर्थक हैं और क्रांति को अनिवार्यतः मानते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, जबकि समाजवादी संवैधानिक और क्रमिक विकासवादी सिद्धांतों से उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इनका क्रांति में विश्वास नहीं है, हिंसक क्रांति में ये विश्वास नहीं करते हैं। और ये सिद्धांत संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए उसके आर्थिक समानता के आदर्श को प्राप्त करने पर जोर देता है। आर्थिक समानता, इसमें जो साधन है सभी साधन स्वीकार किए गए हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता है, विधि का शासन है, शासन की शक्तियों का विभाजन है, नागरिक मौलिक स्वतंत्रताएँ हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, आर्थिक समानता, राजनीतिक और सामाजिक समानता का विचार है। ये सभी सिद्धांत और विचार विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये व्यवस्था स्वीकार करती है, और निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करके जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता और एक से अधिक राजनीतिक दलों की मौजूदगी द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। किंतु निजी संपत्ति के अधिकार को पवित्र और अनुल्लंघनीय नहीं मानता है। जहाँ तक आर्थिक समानता का संबंध है, लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है तीन तथ्यों पर बल देता है। नागरिकों के बीच आर्थिक विषमता को यथासंभव सीमित किया जाना चाहिए, आर्थिक विषमता सीमित हो। पहला इनका जो तथ्य है, विचार है, वो है आर्थिक विषमता को सीमित करना, 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 यह पहला, यथासंभव इसके प्रयास किए जाने चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण विचार समाज जो है लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत का दृष्टिकोण है। इसमें दूसरा जो है सभी नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति, सभी को आर्थिक सुरक्षा की प्राप्ति होना चाहिए, आर्थिक समानता के साथ आर्थिक सुरक्षा भी हो, जिसके लिए राज्य विभिन्न प्रकार के रोजगार गारंटी कार्यक्रम बना करके नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा करने का प्रयास संसदीय प्रजातंत्रों में कर रहा है। इसके अलावा सभी नागरिकों को विकास के अवसरों की समानता प्राप्त होनी चाहिए, अवसरों की समानता प्राप्त होनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, और आर्थिक समानता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के विभिन्न समर्थकों ने अनेक उपायों द्वारा अन्य साधनों पर विचार किया है। संसद कानून बनाकर बड़े और आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है, किया जा सकता है, उनके प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, और प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करके संपन्न वर्ग पर करों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, और इस प्रकार से प्राप्त राजस्व को निर्धन वर्ग के कल्याण पर व्यय किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण और नियोजित विकास के लिए योजना आयोगों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि राज्य को अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन करना चाहिए जो साधारण नागरिकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा कर सकें, और उसे साधारण नागरिक के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के प्रयास करना चाहिए, जैसे कि उसका रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है, चिकित्सा है, सुरक्षा है, इनका अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य को करना चाहिए, और कमजोर वर्गों, स्त्रियों आदि के कल्याण के उपाय भी उसे करने चाहिए। यह सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता को परस्पर अनुपूरक मानता है, इसलिए इनमें किसी एक की कीमत पर शेष दूसरे की प्राप्ति का समर्थक नहीं है। यह विशेषता इस सिद्धांत को उदारवादी लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र से भिन्नता प्रदान करती है, किंतु इससे यह भी प्रकट होता है कि यह सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्रों के दो विपरीत लक्षणों में समन्वय स्थापित करता है। आधुनिक काल में तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में ये पर्याप्त लोकप्रिय रहा है, और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत में भी आज़ादी के प्रारंभिक दशकों में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया गया, क्योंकि भारत के स्वतंत्र भारत के राजनीति का जो आरंभिक समय है, आरंभिक काल है, वह मुख्यतः भारतीय राजनीति का नेहरू युग है, और नेहरू स्वयं लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रणेताओं में से एक भी माने जाते हैं, क्योंकि इन पर लोकतंत्र समाजवाद के विभिन्न जो पैटर्न अब तक आए हैं उनमें फेबियन समाजवाद का भी नेहरू पर प्रभाव रहा, और उसके बाद वो समाजवादी विचार दर्शन में उनके परिवर्तन आया, और जब स्वयं उनको व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुए देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने जो अनुभव किया उसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को के ढांचे में भारतीय व्यवस्था को ढालने का प्रयास किया, और यही कारण था कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित प्रारूप का बनाया गया, मिक्स्ड पैटर्न में, जहाँ पर कुछ बड़े उद्योग सरकार के नियंत्रण में रहे, कुछ निजी में रहे, और कुछ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये मिश्रित जो पैटर्न समाजवाद का अपनाया गया वो लोकतांत्रिक समाजवाद के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में लागू किया गया, और विशेषकर नेहरू युग में, क्योंकि स्वयं नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रणेता विद्वानों में से एक माने जाते हैं। तो भारत में भी इसी प्रकार का, जहाँ तक इसके परिणामों का प्रश्न रहा, विकासशील देशों ने इस सिद्धांत के उतने आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं, नहीं निकले हैं जितने की उम्मीदें की गई थी, और इसका प्रमुख कारण ये था कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अयोग्य नौकरशाही, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आदि माना गया, और वर्तमान काल में विश्व स्तर पर आर्थिक उदारवाद की लहर ने इस सिद्धांत के प्रभाव को सीमित कर दिया है। तो यूँ कहें कि लोकतंत्र को, जैसा कि हम प्रारंभ में चर्चा कर रहे थे, वो ये था कि लोकतंत्र अपने आप में एक जो स्थिर विचार नहीं है, लोकतंत्र विभिन्न देश कालों में जो है अलग अलग विचारों में, अलग अलग सांचों में ढाला गया, और इन सबको समझ करके ही हम लोकतंत्र को समझ सकते हैं। जहाँ तक इसके प्रकारों की हमने बात की थी, सामाजिक लोकतंत्र,
लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र, और फिर इन जो सिद्धांतों की, पांच सिद्धांतों की जो हमने चर्चा की, इन सब का निष्कर्ष यही है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता की संरक्षक जो व्यवस्था है, या यो कहें कि वह व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान उसका है, क्योंकि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में है, केवल राजनीतिक दर्शन के रूप में नहीं है। अब नेक्स्ट हम जो है लोकतांत्रिक शासन के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।